वेलकम गाइस, BinaryTube प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। गाइस, कल हम लोगों ने डेटा ट्रांसमिशन मोड पढ़े, जिसमें हमने दो मोड पे चर्चा किया था, एक असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड और दूसरा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो गाइस, अब तो हमने ये जाना कि हमारा डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। पैरेलल में एक साथ सारे बिट को ट्रांसफ़र कर दिए, पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे थे। सीरियल में हमने देखा था कि हमारा जो डेटा है वो बिट वाइज ट्रांसफ़र हो रहा है। अब उसके कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर जब ये बिट वाइज ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मेथड कौन कौन से है, इसके टाइप कौन कौन से है, डेटा किस टाइप से ट्रांसफ़र होता है। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, या ये डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, उसके प्रकार कौन कौन से। तो गाइस, सबसे पहला जो टाइप होता है वो है सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड। दूसरा है आपका हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड, और तीसरा और लास्ट है आपका फुल डेटा ट्रांसमिशन मोड। गाइस, आपकी ये सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरनेट में। कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि एक्सप्लेन द सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, या पाँच नंबर के क्वेश्चन में आ गए जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मेथड या ट्रांसमिशन सिस्टम। तो गाइस, को ध्यान में रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो इसके थ्री टाइप्स हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये जो टाइप्स हैं इनको हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे इसको करते हैं। तो जाहिर से यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट आउट किए हुए, जो पॉइंट आउट है सिर्फ आप इसको इतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात जान लीजिए कि जो सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है, इट इज़ अ वन वे डेटा ट्रांसमिशन मोड, यानी एक पाथ से चलता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यानी कह सकते हैं इट ट्रांसमिट द डेटा, जो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, इट ट्रांसमिट द डेटा ओनली वन डायरेक्शन। इट मीन्स सेंडर कैन सेंड ओनली डेटा और रिसीवर कैन रिसीव ओनली डेटा। सेकेंड पॉइंट भी मैंने यही लिखा हुआ है, सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव डेटा, इट इज अ वन वे डेटा ट्रांसमिशन मोड। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। गाइस, हमने देखा है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है या टेलीविजन, जैसे आप 93.5 सुन रहे हैं या 92.7 सुन रहे हैं, तो डेटा वहां से ट्रांसमिट हो रहा है। सेंडर जो हमारे एक्सचेंज होते हैं, जो हमारे ISP जहाँ से वो डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जैसे मंफोड़गंज में है, आपके प्रयागराज में, हर जगह अपना एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ से ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, उस चैनल पे, उस फ्रिक्वेंसी पे जो चल रहा है, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है, ज़बरदस्ती हमको उसको सुनना पड़ता है। इट मीन्स हम उसको बदल नहीं सकते, इतने हम बंद नहीं कर सकते। आप दूसरा चैनल पकड़ लो, डर वो आपके अंडर में कि आप कोई दूसरा चैनल पकड़ रहे हो, ठीक है, वो बात की बात है कि आप बदल देते हो, लेकिन हम उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि वी कैन नॉट एनी इंटरप्ट इन डेटा सेंडर इन, हम रिसीवर इन से कोई भी इंटरप्शन नहीं लगा सकते, एक डेटा को रोक नहीं सकते हैं, वन वे डेटा था। सेम चीज आपकी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में है। तो सिंपली आपको ये जानना है कि जो वन वे डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है, यानी सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड, वो होता है कि इट ट्रांसमिट द डेटा ओनली वन डायरेक्शन, सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव डेटा, इट इज अ वन वे डेटा ट्रांसमिशन मोड। गाइस, इसका हम एक एग्जाम्पल आपको फिगर बना के समझा देते हैं।
एग्जाम्पल में आपको लिखना है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, तो गाइस जो सिंप्लेक्स का डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। बना सकते हैं, हम यहाँ पे फिगर बना दिए। देखिए जो सेंडर है हमारा सिर्फ डेटा को सेंड कर रहा है, ये वन वे डेटा ट्रांसमिशन है। ठीक, तो इसमें हमने जो बात आपको बताई, सिर्फ चार बातें आपको इसमें बताई हैं कि सेंडर आपका जो डेटा है ये वन वे डेटा ट्रांसमिशन मोड है, सेंडर केवल सेंड कर सकता है, रिसीवर केवल रिसीव कर सकता है। ये आपका पूरा वन वे डेटा ट्रांसमिशन है यानी सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन है और इसमें आपको एग्जांपल देना है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, अब गाइज हम इसके दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं, जो दूसरा टाइप है उसका नाम है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। तो गाइज हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो यह मोड है, इट ट्रांसमिट द डेटा, ये डेटा को ट्रांसमिट करता है इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों साइड से डेटा को ट्रांसमिट करता है, बट इट इज अ वन वे डेटा ट्रांसमिशन आल्सो। ये वन वे डेटा ट्रांसमिशन ये भी है, लेकिन क्यों है अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो पहली चीज है कि इट ट्रांसमिट द डेटा इन बोथ डायरेक्शन, दूसरी चीज है इट पासेस अ सिग्नल इन द एंड ऑफ डेटा, यानी जब डेटा भेजा जाता है सेंडर के द्वारा, जब डेटा सेंड किया जाता है तो लास्ट में इट पास अ सिग्नल, एक सिग्नल पास करता है, और जब रिसीवर इन पे डेटा रिसीव किया जाता है तो भी रिसीवर इन से एक सिग्नल पास करता है। तो यहां पर मैंने लिखा है इट पास अ सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, इट मीन रिसीवर इन से भी सिग्नल भेजा जाएगा और सेंडर इन से भी। ठीक, सेंडर कैन सेंड और रिसीव, सेंडर सेंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है डेटा, एंड रिसीवर कैन रिसीव एंड सेंड द डेटा, रिसीवर रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, सेंडर सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है, इसी तरह रिसीवर रिसीव और सेंड दोनों कर सकता है। ठीक, अब मैंने कहा इट इज अ वन वे डेटा ट्रांसफर, ये वन वे डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी वन वे डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि डेटा सिर्फ एक ही साइड से सेंड हो, वन वे का यही मतलब है एग्जैक्टली। तो ये वन वे इसलिए है क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ ओनली वन कैन सेंड आर रिसीव डेटा, केवल एक समय में एक ही डेटा को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, और इट पास सिग्नल, वो लगातार सिग्नल भेजता रहेगा जब तक कि रिसीवर एंड से उसको सिग्नल न मिल जाए कि उसने डेटा रिसीव कर लिया है, तब तक वो डेटा को ट्रांसमिट करता रहता है। इसीलिए गाइस ये वन वे डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है। बात समझ में आई कि कम्युनिकेशन चैनल में जब सेंडर से डेटा को सेंड करता है तो वो एक सिग्नल भेजता है, जब तक कि रिसीवर उसको रिसीव ना कर ले और जब तक सिग्नल नहीं भेजेगा रिसीवर एंड से, तब तक वो सेंडर डेटा को सेंड करता रहेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक, सेम सिचुएशन रिसीवर एंड से भी होती है कि रिसीवर एंड से कोई डेटा अगर सेंड किया जा रहा है तो भी वो सिग्नल भेजेगा और उसके बाद। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे वाकी टॉकी, वाकी टॉकी पर आप लोगों ने बात सुना होगा या मूवीज वगैरह में बहुत बार देखे होंगे कि जो सेंडर होता है वो कोई कोड इस्तेमाल करता है, कोड इस्तेमाल करने का मतलब चार्ली क्या क्या बोलते रहते हैं अपना। ठीक,
तुनका चार्ली और ये सब एक कोड वर्ड है, जब तक कि ओवर एंड आउट हर मैसेज के बाद वो कुछ ना कुछ अपना एक टैग लाइन देते हैं। टैग लाइन मीन्स कहने का एक सिग्नल देते हैं कि हाँ मैंने ये डेटा को रिसीव कर लिया है। तो जो इसका एग्जांपल है वो वाकी टाकी है। वाकी टाकी में बोथ डायरेक्शन डेटा सेंड होते हैं, बोथ डायरेक्शन डेटा रिसीव होते हैं, सेंडर रिसीव भी कर रहा है, रिसीवर सेंड भी कर रहा है, लेकिन तब तक कोई इंटरप्शन नहीं करेगा। अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर तब तक इंटरप्शन नहीं करेगा जब तक कि वो पूरा डेटा को रिसीव न कर ले और सिग्नल न दे। सिग्नल देगा देन ही सेंडर अदर डेटा को ट्रांसफर करेगा। तो गाइज इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक। अब इसको हम फिगर से समझाते हैं। रिसीवर डेटा, ठीक। तो गाइस यहां पे सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और एक सिग्नल भेज रहा है। डेटा रिसीव करने के बाद रिसीवर भी एक सिग्नल भेजता है, तब जाके एक कम्युनिकेशन चैनल। यहां जो सिग्नल भेज रहा है गाइस ध्यान देना, यहां पे जो ये सिग्नल भेज रहा है वो सिग्नल इट मींस इट यूज टू स्ट्राबिट। एक सेंडर के द्वारा स्ट्राबिट यूज किया जा रहा है, दूसरा रिसीवर एंड पे यूज किया जा रहा है। तो इट यूज टू स्ट्राबिट, जब ये दो स्ट्राबिट यूज रहेगा कर रहा है तो ये जो कम्युनिकेशन होगी, जो ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों गाइस, यहां पे जो ट्रांसमिशन है वो आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जब फ्लो हो जाएगा तो यहां पे आपका सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी सिक्योरिटी हाई हो जाएगी। इसीलिए मिलिट्री या जो वॉकी टॉकी पर बात करते हैं उनके डेटा लॉस नहीं होते हैं, उनके डेटा को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सिक्योर साइट, एक सिक्योर नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, वो बात की बात अलग है, लेकिन इनके डेटा को लॉस होने की संभावना न के बराबर होती, क्योंकि सेंडर लगातार तब तक सेंड करता है जब तक कि उसको रिसीवर एंड पे। तो हमने यहाँ पे कहा कि एक समय में एट अ टाइम एक ही व्यक्ति डेटा सेंड कर सकता है, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, या एक टाइम में वो डेटा को रिसीव कर सकता है, दोनों में से सेंडर या रिसीवर दोनों में से कोई भी हो, इसलिए इसको वन वे डेटा ट्रांसमिशन ही बोला गया, क्योंकि ये एक ही समय में एक ही डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइस ये था आपका हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में, या फुल डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम ये है कि जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है, इट ट्रांसमिट द डेटा इन बोथ डायरेक्शन, ठीक। जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट होता है बोथ डायरेक्शन से, सेंडर कैन सेंड, रिसीवर कैन रिसीव, रिसीवर कैन रिसीवर आल्सो कैन सेंड और सेंडर कैन आल्सो रिसीव। कहने का मतलब ये है कि जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, इनका कोई इंटरप्शन
इनको कोई मतलब नहीं है कि रिसीवर एंड तक डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों साथ साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक, मतलब बोथ डायरेक्शन में साथ साथ डेटा आपका चल सकता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका, जैसे हम लोग मोबाइल फोन पे बात करते हैं, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, एक बंदे ने बोला, सामने वाले ने बोला, हमने बोला, दोनों में ये नहीं किसका बात पूरा हुआ, डेटा मुझ तक पूरा आया कि नहीं आया, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो सामने वाले के बीच में क्या करते हो, डेटा का ब्रेक लगा देते हो, हाँ यार ये कहते हुआ, अगर वो कुछ बता रहा है उसका पूरा कार्य नहीं हो पाया, उसने पूरा आपको समझा नहीं पाया, उसके पहले आपने कह दिया कि ये कैसे हुआ, अब आपने इंटरप्शन लगा दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि साथ साथ तो दोनों दिशाओं में डेटा ट्रेवल कर रहे हैं, बट यहाँ पे इंटरप्शन है, रिसीवर इन से भी इंटरप्शन हो सकता है और सेंडर इन से भी इंटरप्शन हो सकता है, तो बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है इट ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक, जो डेटा होता है वो बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, बोथ डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, इट इज अ टू वे डेटा ट्रांसमिशन, ये फुल टू वे डेटा ट्रांसमिशन है, इट अवॉइड टू एक्स्ट्रा बिट, ये दो एक्स्ट्रा बिट को अवॉइड करता है, मतलब इसने जहाँ पे अभी आप सिग्नल भेज रहे थे, दो सिग्नल को आप भेज रहे थे उस टाइम पे यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं भेजा जाता, बीच में एंड कर सकता है या बाद में एंड कर सकता है, ठीक, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ट्रांसमिशन जो सिस्टम है ये दो एक्स्ट्रा बिट को अवॉइड करेगा, जब गाइस दो एक्स्ट्रा बिट को अवॉइड करेगा तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन है, वो फास्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी तो डेटा सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन था वो फास्ट हो गया और डेटा सिक्योरिटी आपकी क्या हो गई, लो हो गई। अब हम लोग आते हैं, द कैपेसिटी इज डिवाइड बिटवीन सिग्नल ट्रेवलिंग बोथ डायरेक्शन, जो ये सिग्नल्स हैं ये दोनों दिशाओं में बांटे जाते हैं, ठीक, दोनों दिशाओं से, कि इसने भेज दिया, इसने अपना पहले सिग्नल, जैसे आपने फोन लगाया, आपने सिग्नल दिया उसको, उसने रिसीव किया, आपने डेटा सेंड करना शुरू किया, उसने रिसीव किया तो एट द फर्स्ट टाइम, तो पहले ही दोनों इंड से क्या हो गए, सिग्नल को भेजा जा चुका, मतलब रिसीवर इंड, जैसे अभी कॉल आए हम रिसीव ना करें तो हमने कोई सिग्नल नहीं दिया ना, कॉल तो आपकी चली गई, तो हमारे बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ। लेकिन इन कम्युनिकेशन चैनल जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे आपने फ़ोन उठाया तो बंदे क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हो ना, फर्स्ट टाइम हेलो, या उधर से हाँ बोलो, ये नॉर्मल भाषा में आप समझिए कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना हेलो, वो बोला कि हाँ बोलो, कुछ भी जो भी, कि इट मीन्स कनेक्शन सिक्योर हो गया, वो सिग्नल को दोनों ने बांट लिया, अब उनके बीच डेटा ट्रांसमिट होना शुरू हुआ, वो बोथ डायरेक्शन से होगा, और इसमें ये नहीं है कि किसी का डेटा पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो फास्ट रहे, ठीक, फास्ट रहे तो इसकी सिक्योरिटी क्या हो गई, लो हो गई। और इसका एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन और टेलीफोन। तो गाइस ये टोटल था आपका टाइप ऑफ कम डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम। एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ, जो टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन वो तीन तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक। तो गाइस सिंप्लेक्स, ये इट इज अ वन वे डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, सेंडर कैन सेंड एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव डेटा, ठीक, इट इज अ वन वे डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी या रेडियो के सामने आप कितना भी चिल्लाओ कि या बंद कर दो बंद कर दो, लेकिन जब तक आप टीवी या रेडियो ऑफ नहीं करोगे तो डेटा ट्रांसमिट होता ही रहेगा, यानी सेंडर केवल सेंड करेगा और रिसीवर केवल रिसीव करेगा। यही मैंने बताया था कि
कि कम्युनिकेशन चैनल में एक जगह ऐसी होती है, एक सिस्टम ऐसा होता है जहां पे सेंडर केवल सेंड करता है और रिसीवर केवल रिसीव करता है। गाइस ध्यान देना, ये वो एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज है हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, इट ट्रांसमिट द डेटा इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, बट इट पास अ सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन, ये सिग्नल को पास करता है दोनों इन से, यानी सेंडर इन से और रिसीवर इन से, ठीक है। इट ट्रांसमिट द डेटा एट अ टाइम वन साइड, एट अ टाइम वन वे, एक समय में एक ही दिशा में इसका डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। मतलब सेंडर जब सेंड करेगा तो लास्ट में एक सिग्नल यूज करेगा और तब तक वो डेटा सेंड करता रहेगा सेंडर, जब तक कि रिसीवर इन से उसको सिग्नल ना मिल जाए कि रिसीव कर लिया है। फॉर एग्जांपल इसका वॉकी टॉकी, ठीक, इसका हमने फिगर भी बना दिया है। और जब ट्रांसमिशन जो है इसका टू एक्स्ट्रा बिट यूज किया हुआ है तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट स्लो हो जाएगा, और स्लो होगा तो डेटा जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। लास्ट आपको हमने बताया कि फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में इट ट्रांसमिट द डेटा इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसमिट होता है, इट अवॉइड टू एक्स्ट्रा बिट, ये दो एक्स्ट्रा बिट को अवॉइड करता है, जिसके कारण इसका कम्युनिकेशन जो होता है, ट्रांसमिशन रेट होता है, डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो फास्ट होता है, तो डेटा की सिक्योरिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक। इट इज अ टू वे डेटा ट्रांसमिशन, ये दो भी दिशाओं में चलता है। द कैपेसिटी इज डिवाइड बिटवीन सिग्नल ट्रेवलिंग इन बोथ डायरेक्शन, जो इनका सिग्नल जो चैनल्स हैं, जो बैंड्स हैं, जो चैनल की कैपेसिटी, ये पहले ही डिवाइड कर लेते हैं कहाँ से, सेंडर इन से और रिसीवर इन से, बोथ डायरेक्शन से ये क्या कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है कि मोबाइल फोन या टेलीफोन, इसका अगर पिक्चर बनाओगे, फिगर बनाना है तो यहाँ से आप केवल सिग्नल को हटा दीजिए और जहाँ पे आपने वन वे डेटा ट्रांसमिशन लिखा है यहाँ पे आपका हो जाएगा टू वे डेटा ट्रांसमिशन। और इसकी सिक्योरिटी जो है वो घट जाएगी, ठीक। तो गाइस ये आपका फुल डुप्लेक्स का फिगर है। तो गाइस आई होप कि आपको डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स होती है डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक है www.binarytube.in, इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 9140722802 या 9580779450। गाइस आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके दिमाग में कहीं से भी क्वेश्चन रेज होता है, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनता है जहां से आपके दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो। गाइस क्वेश्चन वहीं से आपके पुटअप होते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर आप उनका समाधान कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये आपको छोड़ना ना पड़े। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू गाइस।